उधर रूस की परमाणु हमले की धमकियां जारी हैं। इस बार पुतिन के करीबी और रूस के एक सांसद ने सरकारी टीवी चैनल पर सरेआम धमकी दी कि अगर रूस ने अपनी नई नवेली 4 सरमात मिसाइलें दाग दी तो अमेरिका का पूर्वी और पश्चिमी तट नक्शे से मिट जाएगा। रूस ने पिछले महीने ही अपनी सरमात एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसके बाद रूस के सांसद एलेक्सेई ज़ीरोफ़िलोव ने टीवी डिबेट में उसी सरमात मिसाइल का जिक्र छेड़ दिया जिसे अमेरिका सेटन यानी शैतान कहता है। रूस के सांसद ने कहा कि अमेरिका को तबाह करने के लिए रूस को सिर्फ 4 सरमात मिसाइलें चाहिए होंगी, 2 उसके पूर्वी तट को मिटाने के लिए और 2 उसके पश्चिमी तट को खत्म करने के लिए। सरमात मिसाइल रूस का सबसे ताकतवर परमाणु हथियार बताया जा रहा है, जिसके बारे में रूस का दावा है कि सरमात सबसे ज्यादा रेंज वाली पूरी दुनिया की ऐसी सबसे खतरनाक मिसाइल है जिसकी जद में दुनिया का हर कोना है। वहीं रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी और यह साफ कर दिया कि वो यूक्रेन पर खतरनाक हथियारों से हमला करेंगे, जिनमें मिसाइलें भी शामिल होंगी। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर पुतिन की सेना कहर बरपा रही है और दावा किया जा रहा है कि डोनबास पर कभी भी रूस का कब्जा हो सकता है। वहां जिस तरह से भयंकर युद्ध चल रहा है और पुतिन की मिसाइलें बरस रही हैं, उनके आगे यूक्रेन की सेना घुटने टेकने पर मजबूर है। ज़ेलेंस्की को बाइडेन ने MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी नहीं दिए, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मिरर ने अपने आर्टिकल में इन्हीं बातों का जिक्र किया और लिखा कि रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने बाइडेन को खतरनाक चेतावनी दी और बोल दिया कि रूस अमेरिका के यूक्रेन पर मिसाइल अटैक के डरावने सपने को सच कर देगा। यानी कि रूस अमेरिका से 2-2 हाथ करने के मूड में है। रूस के सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिका के उस डर को भी भांप लिया जिसकी वजह से वो यूक्रेन को मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम नहीं दे रहा, और बाइडेन के उसी डर को पुतिन ने अपना हथियार बनाया। बाइडेन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो यूक्रेन को ऐसे रॉकेट सिस्टम नहीं देंगे जिनसे वो रूस में घुसकर हमला कर सके। मतलब बाइडेन पुतिन से सीधा टकराने से डर रहे हैं। पहले ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया और फिर बाइडेन ने खुद अपने मुंह से ये बोल दिया, जिसके बाद रूस ने अमेरिका को धमकी देकर उसकी दुखती रग दबा दी। वैसे ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार या सैन्य मदद नहीं देने वाला, लेकिन इसमें समय लग रहा है और हर गुजरते दिन के साथ डोनबास यूक्रेन के हाथ से निकलता जा रहा। ज़ेलेंस्की ये बात अमेरिका को बता भी चुके हैं, लेकिन मिरर ने अपने आर्टिकल में दावा किया कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी और रूस की सेना की सीधी टक्कर हो।